अब भोपाल से खबर है, जहां पे स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्कूल सवालों के घेरे में है। पिछले 4 दिनों में स्कूल में यौन शोषण के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, एक के बाद एक स्कूल जो कि शिक्षा का मंदिर, वो सवालों के घेरे में है। और एक के बाद एक जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद से अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, 3-3 साल की बच्चियों पर ये गंभीर, बच्चियों के साथ ये इस तरीके से ये कृत्य किया जा रहा है, और ये आरोप लग रहे हैं स्कूल के टीचर पर। पहली घटना ऐशबाग थाना क्षेत्र की, जहां पे 5 साल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। छेड़छाड़ का आरोप स्कूल वैन में अज्ञात व्यक्ति पर लगा। हालांकि बच्ची बयान के अभी घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके बाद से जांच के लिए पुलिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद ले रही है। वैन ड्राइवर गया हुआ था उस बच्चे को छोड़ने के लिए, तब एक अन्य व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आकर के उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें जो अन्य बच्चे थे वैन में, उसमें 2nd क्लास के 2 बच्चे थे, एक 6 वर्षीय लड़का और एक 6-7 वर्षीय बच्ची भी थी। उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि वैन ड्राइवर के अनुपस्थिति में कोई अज्ञात व्यक्ति आया था क्या वैन में, तो इसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था। इसमें जब बच्ची से सिविल ड्रेस में लेडी सब इंस्पेक्टर के द्वारा पूछताछ की गई बाद में, तो फिर वो बच्ची बोली कि ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ है, क्योंकि माँ बाप उसके साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, इसलिए उसने ऐसा रिपोर्ट किया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कल जो बच्ची है उसके कथन कराए जाएंगे। दूसरी घटना भोपाल के कटारा हिल्स के, जहां पे निजी स्कूल पर टीचर पर ही 10वीं की छात्र से रेप का आरोप लगा है। केमिस्ट्री टीचर पर आरोप लगा है, वो सोशल मीडिया पर मैसेज करके नाबालिग छात्र को स्कूल के बाहर बुलाता था और यौन शोषण करता था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और स्कूल को बंद करने की मांग की। टेंथ क्लास के एक बालक ने अपने केमिस्ट्री टीचर के खिलाफ इस तरह का शिकायत किया था कि पिछले 1 साल से वो उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा है। इस रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है अलोंग विद पॉक्सो एक्ट, और जो आरोपी शिक्षक है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है और स्कूल में और भी बच्चों से पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी भी है, एग्जाम्स भी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोई नया फैक्ट आएंगे तो उस हिसाब से और कार्रवाई, क्योंकि अब 3 साल से वहां पर है और कई क्लासेस के साथ उनका अटैचमेंट रहा है टीचर का, स्कूल प्रबंधन से भी संबंध में जानकारी ले। तो तीसरी घटना भोपाल के कमलानगर थाना क्षेत्र के, जहां पे 3 साल की मासूम से रेप का आरोप लगा है टीचर पर। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। एक 3.5 साल की बच्ची से संबंधित एक मामला थाना कमलानगर में आया है, जिसमें उनके माता की तरफ से इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया 74-75 BNS का और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में आरोपी बच्ची जिस विद्यालय में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसी का एक टीचर को इसमें पाया गया है, और बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद इस पूरे मामले में आरोपी को पहचान सुनिश्चित करते हुए इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी एक समिति गठित की गई है, जिसमें मैं भी अध्यक्ष हूँ, 4 लोग और हैं। उसके दौरान अभी सबसे पहले तो स्कूल को कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। बाकी जो प्रोसीजर में है कि इसकी मान्यता रद्द करनी, उसके लिए भी बल्लभ भवन बुलाया जा रहा है। मैं वही टीकमगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, जहाँ पे 7 साल की बच्चे के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी को हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के सांसद प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया था। लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है।
ऐसे कैसे स्कूल जाएंगे बच्चे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चार दिन में स्कूल में यौन शोषण के 3 मामले सामने आए हैं। ये मामले हैरान करने वाले हैं। पहला मामला भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र से सामने आता है, जहां स्कूल के ही एक शिक्षक पर आरोप लगा कि उसने 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में ही दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने SIT का गठन कर दिया। फिलहाल स्कूल को सील कर दिया गया है। दूसरा मामला भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से सामने आता है, जहां एक 5 साल की मासूम के साथ स्कूल वैन में अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने, छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। CWC के समक्ष बच्ची के बयान दर्ज कराने की बात कही जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ये कह रही है कि बच्ची अपना बयान बदल रही है। तीसरा मामला भोपाल के ही कटारा हिल्स थाना क्षेत्र से सामने आती है, जहां एक किशोर के साथ एक केमिस्ट्री के टीचर ने अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया। न सिर्फ उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, बल्कि ब्लैकमेल भी किया गया। उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए, परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में भी सामने आया है कि आरोपी टीचर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भेजकर स्कूल के बाहर बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और इसके साथ ही अप्राकृतिक कृत्य के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन 3 घटनाओं से कई सवाल खड़े होते हैं कि जब देश में सब पढ़ें सब बढ़ें, इसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का नारा दिया जाता है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? जब बच्चे स्कूल में, स्कूल की वैन में सुरक्षित नहीं हैं, तो ये इन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? उन शिक्षकों पर सवाल है जिनके ऊपर ये जिम्मा है कि वो बच्चों का भविष्य गढ़ें, लेकिन ऐसे कैसे बच्चों का भविष्य गढ़ा जाएगा? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।